है तो तो उसके उसके हिसाब हिसाब से से डेफिनेटली डेफिनेटली बहुत बहुत ही ही मुश्किल मुश्किल होगा होगा गारंटर गारंटर सेल्स सेल्स को को शुरुआत शुरुआत करना। करना। और और ये ये डेफिनेटली डेफिनेटली शुरुआत शुरुआत होगा, होगा, बट बट कब कब होगा, होगा, किसका किसका कब कब डिलीवरी डिलीवरी आएगा, आएगा, चालू चालू होगा, होगा, ये ये सिस्टम सिस्टम ही ही बताएगा, बताएगा, यहाँ यहाँ पे पे हम हम कुछ कुछ बता बता नहीं नहीं सकते। सकते। दिस दिस इज इज फ्यूचर। फ्यूचर। शायद शायद अगस्त अगस्त में में चालू चालू हो हो सकता सकता है, है, शायद शायद आपकी आपकी सितंबर सितंबर में में भी भी चालू चालू हो हो सकता सकता है है गारंटेड गारंटेड सेल्स सेल्स जो जो डिलीवरी। डिलीवरी। तो तो ये ये जो जो भी भी होगा होगा कंपनी कंपनी आगे आगे अपडेट अपडेट देगा। देगा। हाँ, हाँ, उसमें उसमें एक एक चीज चीज लिखा लिखा था था जो जो पढ़ पढ़ के के बहुत बहुत ही ही खुशी खुशी हुआ। हुआ। मतलब मतलब एक एक तसल्ली तसल्ली मिल मिल गई गई कि कि हाँ हाँ अभी अभी जो जो करंट करंट सिचुएशन सिचुएशन है, है तो तो उसकी उसकी वजह वजह से से हमारा हमारा जो जो ब्राउजर ब्राउजर है है वो वो भी भी नहीं नहीं आ आ पा पा रहा रहा है। है। जब जब तक तक ये ये सिस्टम सिस्टम पूरा पूरा क्लीन क्लीन नहीं नहीं होगा, होगा, मतलब मतलब जो जो फेक फेक पीपल, पीपल, जो जो स्कैमर्स, स्कैमर्स, उनको उनको हटाया हटाया नहीं नहीं जाता जाता है, है, जो जो बोट्स बोट्स वगैरह वगैरह लगा लगा के के चला चला रहे रहे थे, थे, वैलिडेशन वैलिडेशन कर कर रहे रहे थे, थे, जब जब तक तक वो वो सिस्टम सिस्टम से से क्लियर क्लियर नहीं नहीं होंगे, होंगे, तब तब तक तक ब्राउजर ब्राउजर नहीं नहीं आने आने वाला वाला है। है। आई आई थिंक थिंक सो सो कि कि यहाँ यहाँ पर पर वैलिडेशन वैलिडेशन भी भी तब तब तक तक बंद बंद रहेगा। रहेगा। उसके उसके साथ 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 इसका इसका इफेक्ट इफेक्ट पे पे आउट आउट के के ऊपर ऊपर भी भी पड़ेगा। पड़ेगा। बहुत बहुत से से लोग लोग ये ये पूछ पूछ रहे रहे हैं हैं कि कि 25 अगस्त25 अगस्त को को पे पे आउट आउट मिलेगा मिलेगा क्या? क्या? अभी अभी तक तक तो तो वैसे वैसे कुछ कुछ डिक्लेयर डिक्लेयर नहीं नहीं हुआ हुआ है है कि कि पे पे आउट आउट की की डेट डेट चेंज चेंज हो हो रहा रहा है। है। अभी अभी तक तक तो तो वैसे वैसे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन नहीं नहीं है, है, बट बट अगर अगर होता होता है है तो तो बताएंगे बताएंगे ना ना कंपनी, कंपनी बताएगा बताएगा कि कि इस इस डेट डेट को को हमारा हमारा पे पे आउट आउट जो जो डेट डेट था था वो वो चेंज चेंज हो हो गया, गया, इस इस कारण कारण की की वजह वजह से, से, कारण कारण क्या क्या है है वो वो आपको आपको पता पता है। है। तो तो ये ये सारा सारा कुछ कुछ फ्यूचर फ्यूचर है, है, वेट वेट करना करना पड़ेगा पड़ेगा कि कि पे पे आउट आउट का का जो जो डेट डेट है है 25 अगस्त,25 अगस्त उस उस टाइम टाइम पे पे वो वो मिलेगा मिलेगा या या फिर फिर एक्सटेंड एक्सटेंड होगा, होगा, वो वो कंपनी कंपनी खुद खुद ही ही बताएगा। बताएगा। तो तो ये ये थोड़ा थोड़ा बहुत बहुत कुछ कुछ अपडेट अपडेट था था जिनका जिनका 9B 9B में में स्टेटस स्टेटस आ आ चुका चुका है, है, तो तो आप आप अपना अपना मेल मेल चेक चेक कर कर सकते सकते हैं। हैं। और और सर्विस सर्विस फोर, फोर, जिसको जिसको हम हम बोलते बोलते थे थे सर्विस सर्विस फोर, फोर, आई आई थिंक थिंक जो जो जिन्होंने जिन्होंने गारंटेड गारंटेड सेल्स सेल्स लिया लिया है है उनको उनको कुछ कुछ ऐसा ऐसा सर्विस सर्विस प्राप्त प्राप्त हो हो सकता सकता है है कि कि वो वो अगर अगर किसी किसी को को चाहे, चाहे, मतलब मतलब पार्ट पार्ट वाइज वाइज करके, करके, तो तो उनको उनको बेच बेच सकते सकते हैं हैं अपना अपना जो जो गारंटेड गारंटेड सेल्स, सेल्स, आई आई थिंक थिंक ऐसा ऐसा वहां वहां पर पर मेंशन मेंशन था था कि कि कुछ कुछ फ्री फ्री जीटीए जीटीए सर्विस सर्विस फ्री फ्री मिलेगा, मिलेगा, जीटीए जीटीए मतलब मतलब गारंटेड गारंटेड सेल्स सेल्स एजेंट एजेंट सर्विसेज। सर्विसेज। तो तो आप आप डायरेक्टली डायरेक्टली मतलब मतलब कंपनी कंपनी अभी अभी बेचना बेचना बंद बंद कर कर देगा, देगा, बट बट जो जो गारंटेड गारंटेड सेल्स सेल्स लिए लिए थे थे उनको उनको कुछ कुछ ऐसा ऐसा फैसिलिटीज फैसिलिटीज दिया दिया जाएगा, जाएगा, मतलब मतलब आप आप अगर अगर किसी किसी को को बेचना बेचना चाहते चाहते हैं हैं ना, ना, तो तो वो वो आप आप बेच बेच सकते सकते हैं। हैं। कंपनी कंपनी आपको आपको ही ही प्रोवाइड प्रोवाइड करने करने वाला वाला है है अभी अभी गारंटेड गारंटेड सेल्स सेल्स की की जो जो पैकेज पैकेज है। है। तो तो जिन्होंने जिन्होंने गारंटेड गारंटेड सेल्स सेल्स लिया लिया है है उनके उनके थ्रू थ्रू कोई कोई पैकेज पैकेज बाय बाय कर कर सकता सकता है, है, हालांकि हालांकि अपकमिंग अपकमिंग है, है, जब जब चालू चालू होगा, होगा, जब जब शुरू शुरू होगा होगा तब तब भी भी पता पता चलेगा। चलेगा। इसके इसके रिगार्डिंग रिगार्डिंग हम हम ज्यादा ज्यादा इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन भी भी नहीं नहीं दे दे सकते सकते हैं, हैं, सिर्फ सिर्फ एक एक थोड़ा थोड़ा सा सा मेंशन मेंशन था था वहां वहां पे। पे। तो तो इस इस चीज चीज का का भी भी आप आप थोड़ा थोड़ा सा सा ध्यान ध्यान रखिए, रखिए, ऐसे ऐसे मत मत समझिए समझिए कि कि कंपनी कंपनी सिर्फ सिर्फ नोटिस नोटिस के के ऊपर ऊपर नोटिस नोटिस दे दे रही रही है। है। डेफिनेटली डेफिनेटली ये ये जो जो सिचुएशन सिचुएशन चल चल रही रही है है तो तो उसकी उसकी वजह वजह से से थोड़ा थोड़ा सा सा भी भी लेट लेट हो हो रही रही है, है, तो तो सबको सबको थोड़ा थोड़ा सा सा पेशेंस पेशेंस के के साथ साथ वेट वेट करना करना है। है। बाकी बाकी और और एक एक थिंग थिंग सबसे सबसे बड़ी, बड़ी, अभी अभी लास्ट लास्ट 2 दिन2 दिन से से हम हम नोटिस नोटिस कर कर रहे रहे हैं हैं कि कि जहां जहां पर पर आप आप लॉग लॉग इन इन करते करते थे थे वहां वहां पर पर एक एक न्यू न्यू ऑप्शन ऑप्शन ऐड ऐड हुआ हुआ है, है, रिमूव रिमूव अकाउंट, अकाउंट, और और उसके उसके पहले पहले है है रिकवर रिकवर अकाउंट, अकाउंट, रिकवर रिकवर एक्सेस, एक्सेस, रिकवर रिकवर अकाउंट, अकाउंट, जो जो भी भी आप आप मान मान सकते सकते हैं। हैं। देखिए देखिए वहां वहां पर पर कंपनी कंपनी पूरा पूरा मतलब मतलब मेंशन मेंशन किया किया है है कि कि ये ये रिमूव रिमूव अकाउंट अकाउंट है। है। ये ये देखने देखने के के बाद बाद वहां वहां पर पर रेड रेड कलर कलर में में भी भी है, है, तो तो स्टिल स्टिल बहुत बहुत सारे सारे लोग लोग यही यही गलती गलती करते करते हैं, हैं, उनकी उनकी सॉरी सॉरी उस उस ऑप्शन ऑप्शन पे पे जाके जाके अपना अपना यूजर यूजर नेम नेम पासवर्ड पासवर्ड डाल डाल के के प्रोसीड प्रोसीड कर कर रहे रहे हैं हैं कि कि अपना अपना अकाउंट अकाउंट को को डिलीट डिलीट करवाने करवाने के के लिए। लिए। मतलब मतलब ये ये देख देख के के बहुत बहुत ही ही दुख दुख हुआ, हुआ, इतना इतना लिख लिख के के बताने बताने के के बाद बाद भी, भी, ऑडियो ऑडियो मैसेज मैसेज डालने डालने के के बाद बाद भी भी स्टिल स्टिल बहुत बहुत सारे सारे लोग लोग वहां वहां पर पर जाके जाके ये ये कर कर रहे रहे थे थे कि कि अपना अपना अकाउंट अकाउंट को को खुद खुद डिलीट डिलीट करवा करवा रहे रहे थे। थे।
मेरे पास जो स्क्रीनशॉट आया था वो मोस्टली लोग जाके वहां पर रिमूव अकाउंट में पूछते हैं कि सर हम यहां पर डालेगा यूजर नेम पासवर्ड, तो देखिए ये कितना बड़ी बेवकूफी की बात है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, जिसका जो भी कोड आपको शो कर रहा है उसका मतलब आपकी आईडी लॉक ही है, मतलब आपका आईडी क्लोज नहीं हुआ है। आपकी अपलाइन को दिखाई दे रहा होगा कि अगर आपकी अपलाइन की आईडी ओपन है कि आपकी आईडी डिलीट हो चुकी है, बट ऐसा नहीं है, लॉक है सबका। बट जब भी आपकी आईडी रिकवर होगा फिर जाके आपकी अपलाइन को शो करेगा कि एक्टिव है। जब तक रिकवरी सब कुछ नहीं हो जाती है तब तक वैलिडेशन स्टिल बंद रहेगा, ये आप नोट कर लीजिए। वैलिडेशन अभी टेम्पररी के लिए क्लोज है, हाँ, बट जिन्होंने गारंटेड सेल्स लिया है आई थिंक उनका भी वैलिडेशन वगैरह हो रहा होगा। तो ये कुछ अपडेट था जो मेरे तरफ से मैं शेयरिंग किया। अगर हमारे और कोई मेंटर कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उत्तम सर, सुतांशु सर, अगर आप अवेलेबल हैं या फिर और कोई हमारे एडमिन कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। और एक चीज दोस्तों थोड़ा सा शेयरिंग कर लेते हैं, वो है केवाईसी को लेके। केवाईसी सबके लिए मैंडेटरी है आई थिंक सो, कि जिनका आईडी लॉक है सबको फिर से केवाईसी करना पड़ेगा। तो ये भी आप याद रखिए, क्योंकि केवाईसी का प्रोसीजर जैसा हमने देखा है गारंटेड सेल्स वालों को अगर हुआ है ना तो सबका आई थिंक सेल डाटा वालों को फिर से केवाईसी करना पड़ेगा। तो अभी से आप अपनी स्पेशल एड्रेस प्रूफ, आपके बैंक अकाउंट का जो पासबुक है या फिर आपका स्टेटमेंट है ऑनलाइन, उसको आप अपडेटेड करके रखिए, प्रिंट करवा के, ताकि आपके नाम, आपके एड्रेस, आपके स्टेटमेंट जो ट्रांजैक्शन है वो फुल्ली कंपनी को क्लियर होगा कि हाँ ये जेन्युइन पर्सन है। और जिसके नाम पे गैस बिल है, वाटर बिल है, यूटिलिटी बिल, टैक्स नोटिस ये भी है तो ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 3 महीना पुराना होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट नहीं कि ये 5-6 साल 6-7 महीना पुराना होगा वैसे नहीं चलेगा, एटलीस्ट उसका जो ट्रांजेक्शन है वो लास्ट 3 महीना ओल्ड होना चाहिए। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है जब आप केवाईसी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। आपके आईडी कार्ड में तो आधार ये भी डाल दीजिए चल जाएगा, वोटर आईडी डाल दीजिए वो भी चल जाएगा, बट एड्रेस प्रूफ में थोड़ा सा ये ध्यान रखिए जो मैंने चीज बोला। सर भी आ चुके हैं, सर गुड इवनिंग, अगर आप कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। गुड इवनिंग मिस्टर दास, गुड इवनिंग बालू भाई, सर भी आज मीटिंग में दिखाई दे रहे हैं। जो सबसे पहले खुशखबरी तो मैं सबको देना चाहता हूँ, सॉरी मैं बताना भूल गया, जो नए लोग हैं उनके लिए, बालू भाई सर को आज गारंटेड सेल्स का मैसेज इनको आ गया है। जो सुबह आज मेरे पास इनकी बालू भाई सर की मेल आई थी, फॉरवर्ड भी की थी, काफी देर डिस्कशन हुआ एंड बहुत अच्छी अच्छी न्यूज हम लोग सामने आने वाली है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वेट बना के रखिए, एक ही सवाल को बार बार मत दोहराइए, मेरी आईडी कब खुलेगी, क्योंकि इतना सब बताने के बाद भी रेगुलर वही क्वेश्चन आते हैं अभी टेलीग्राम पे, सर मेरी आईडी कब खुलेगी, मेरा अकाउंट लॉक है। देखो अभी आपको मिस्टर दास ने बताया होगा, जिस आदमी को भी अलग अलग कोड आ रहे हैं वो सिस्टम जनरेटेड कोड है, मतलब समझो सिस्टम ने जिस वजह से आपकी आईडी लॉक की है, ठीक है, लॉक की है, डिलीट नहीं की है, ध्यान रखो डिलीट अकाउंट नहीं हुआ है, डिलीट उनके वही जिनके मल्टीपल अकाउंट थे, जिनके दो दो अकाउंट बना के रखे हैं एक नाम से, ठीक है, चाहे वो आपकी गलती से बने हैं या आपके जाने अनजाने किसी दूसरे ने भी आपका अकाउंट बना दिया मेल आईडी से लेके, वो डिलीट हुए, बाकी किसी का अकाउंट डिलीट नहीं हुआ है, सब लॉक है। लॉक और डिलीट में अंतर होता है, सारे अकाउंट लॉक है, सब खुल जाएंगे धीरे धीरे। उसके लिए आप देख रहे होंगे जब आप नीचे जाओगे न्यू सेक्शन के पास में, एक रिकवर एक्सेस और एक डिलीट माई अकाउंट का ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसमें भी क्या है ना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आप खुद सोचो, अब लोग ये पूछते हैं सर रिकवर माई एक्सेस कितनी बार दबाना है, क्या डेली दबाना है, अरे भाई साहब नहीं दबाना है, एक बार कर दीजिए प्रेस, वो अपने आप आईपी एड्रेस चेक करके सपोर्ट की टीम जो है जिसका नाम उन्होंने टीम 8 दिया है वो अपने आप आपसे कॉन्टेक्ट करेगी, आपके पास मेल पे मैसेज आएगा और जब आने शुरू हो जाएंगे मैसेज तो हम लोग आपको बता देंगे मैसेज आने शुरू होगा, आप लोग मेल रेगुलर चेक करते रहिए, फिर भी मेल तो आप रेगुलर चेक करते रहो, अगर आपसे मैसेज आता है तो हम बता देंगे पहली चीज। तो रिकवर एक्सेस आपको बस एक बार प्रेस करके छोड़ देना, बार बार डेली नहीं प्रेस करना, भी कोई कंसर्न नहीं उसका, ठीक है। दूसरा अब लोग पूछते हैं सर ये डिलीट माई अकाउंट भी बटन दबाना, अरे भाई साहब क्यों डिलीट माई अकाउंट आपको दबाना बटन, ये तो बताओ,
ये उनके लिए है जिनको पहले सपोर्ट में जाके जिनके दो अकाउंट हैं वो अपना डिलीट करना चाहते थे डाटा, जिनको वो डिलीट करना था अपना, मतलब आपने दो अकाउंट से वैलिडेट कर लिया तो इन्होंने पहले ही मौका दिया था कि आप चाहो तो अपनी जो भी इनकम आपकी जनरेट हुई है सेल माई डेटा और वी बोनस उसे आप डिलीट कर सकते हो तो आप बच जाओगे, ठीक है। अब इन्होंने वो सामने दे दिया और कुछ नहीं, अगर जिसका डाटा लगता है कि मैंने दो अकाउंट में वैलिडेट कर दिया है तो बेटर है, उनके लिए ऑप्शन था और आगे भी रहेगा, वो कर सकते हैं अपना डिलीट, बाकी डिलीट माई अकाउंट में कुछ नहीं करना है। लेकिन इसमें भी अकाउंट आपका डिलीट नहीं होगा, यूजर नेम आपका रहेगा सिस्टम में, ठीक है, आपका यूजर नेम सिस्टम में रहेगा, वो नहीं डिलीट करेंगे यहाँ से अभी। तो आपको सिर्फ इन दो चीजों का ध्यान रखना है। और तीसरा एक ऑप्शन, मतलब तीसरा और है जो रेगुलर आप लोग वेट कर रहे हैं, बार बार एक चीज को बार बार पूछ रहे हैं, स्क्रीनशॉट डाल के वो प्लीज मत पूछिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, शांति से वेट करिए, जो भी अपडेट आती है रेगुलर आपको दे दी जाती है, अदरवाइज आप लोग खुद भी न्यूज सेक्शन में देख सकते हैं आपके पास। पर हम सब बस मैं आज इतना ही कहना चाहूंगा और ज्यादा कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे चीजें हमारे पास आ रही हैं, इम्प्रोवाइज हो रही हैं, आपको सारी चीजें धीरे धीरे बताते चले जा रहे हैं। बस मेरे हिसाब से आज इतना ही, थैंक यू, थैंक यू लॉट, बने रहिए, पॉजिटिव रहिए।